अगर आपके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती और आप परेशान हैं, तो आज हमारे फिट भारत प्रोग्राम को देखिए और अपने बच्चों की हाइट को आप उसके जरिए बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप, फिट भारत प्रोग्राम लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं वो योग आसन जिसके जरिए आपके बच्चों की आप हाइट बढ़ाने में मदद ले सकते हैं। किसके जरिए? योग के जरिए। योग गुरु से आपको मिलवाएंगे और योग गुरु आपको बताएंगे कि कैसे बच्चों का हाइट बढ़ सकता है, क्योंकि कई दवाइयां आपने ट्राई की होंगी और कई लोगों के पास भी आप गए होंगे, लेकिन भारत की योग पद्धति के जरिए आप अपने बच्चों की हाइट को बढ़ा सकते हैं। यकीन नहीं होता तो योग गुरु से जब हम आपको मिलवाएंगे तो वो आपको बताएंगे। तो आपको मिलवाते हैं उन योग गुरु से। निष्कर्ष इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। निष्कर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत पर। निष्कर्ष योग गुरु आज बताने वाले हैं कि कैसे वो योग हम करेंगे, तो उस योग को आप भी जरूर करिएगा जिससे आपके बच्चों की हाइट बढ़ सके। तो निष्कर्ष, हाइट को लेकर बड़ा परेशान रहते हैं माँ बाप की हाइट नहीं बढ़ रही है, लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि हम देखते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है तो खुद भी कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मेरी हाइट नहीं बढ़ी है। दवाइयाँ भी ट्राई करते हैं, अब तो मार्केट में कई सारी दवाइयाँ भी आ गई हैं, लेकिन क्या वाकई योग के ज़रिए ऐसा है कि हम योग के ज़रिए अपने हाइट को बढ़ा सकते हैं? जी हर्ष जी, हम योग के द्वारा और कुछ एक्सरसाइज, कुछ व्यायाम ऐसे हैं जिनके द्वारा हम अपने बच्चों की हाइट को बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि बच्चों की हाइट रुक कैसे रही है। बच्चों के कंधों पर इतना भारी वजन रहता है स्कूलों में कि उनकी हाइट रुक जाती है, तो उनको नियमित रूप से आसन करवाएं और कुछ व्यायाम करवाएं जिनके द्वारा उनकी हाइट बढ़ सकती है। तो निष्कर्ष, चलिए शुरुआत करते हैं। कौन कौन से आसन है एक एक करके वो बताइएगा, ताकि हमारे दर्शक उसको आसानी से देख पाएं और उसके जरिए अपने बच्चों की हाइट को बढ़ाने में मदद ले पाएं। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन, जो आपकी हाइट के लिए बहुत ही लाभकारी है। अपने दोनों पैरों में अपने कंधे अनुसार दूरियां रखें, दोनों हाथों को इस प्रकार इंटरलॉक करें, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और पंजों को ऊपर उठाने का प्रयास करें। शरीर को आसमान की तरफ या छत की तरफ खींचने का प्रयास करें, कुछ देर तक रोकने का प्रयास करें। अपना केंद्र एक जगह ध्यान लगा कर रखें। धीरे से श्वास को छोड़ते हुए हथेलियां सर की तरफ करें, सर पे रखते हुए श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामान्य स्थिति में नीचे की ओर। इसका 5 से 6 बार होल्डिंग के साथ प्रयास करें, यह आपको कुछ समय बाद ही एक अच्छा परिणाम देने में बहुत ही लाभकारी है। इसके बाद हम जानेंगे दूसरा आसन जो आपके बच्चों की हाइट के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसके लिए हम दोनों पैरों में दोबारा अपने शोल्डर जितनी दूरी करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, इसी प्रकार दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं, दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर खींचे, श्वास को छोड़ते हुए सीधी ओर झुकने का प्रयास करें। अपना केंद्र एक जगह बनाने का प्रयास करें, श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में वापसी आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर जाने का प्रयास करें। इसी प्रकार दाएं से बाईं ओर 5 से 10 बार नियमित रूप से जाने का प्रयास करें। धीरे से सामान्य स्थिति में वापसी आ जाए और अपने हाथों को सामान्य स्थिति में वापसी लाए। अब हम जानेंगे तीसरा आसन, त्रिकोण आसन, जो आपकी हाइट के लिए बहुत ही लाभकारी है। ये हर आयु के लोग कर सकते हैं, हर आयु के बच्चे, हर आयु के व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी है। अपने दोनों पैरों में दूरियां करें, जितना ज़्यादा आप कंफर्ट जोन में खड़े हो सकते हैं, पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 फीट की दूरी करेंगे। अपने सीधे पैर को साइड की ओर ले जाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड में लाएं, श्वास को छोड़ते हुए साइड में झुकें। अपने हाथ को पैर के पास रखें और ऊपर वाले हाथ को केंद्र बनाकर देखने का प्रयास करें। अगर आप पैर सीधा रखने में सक्षम नहीं है तो अपने घुटने को मोड़कर भी कर सकते हैं। धीरे से अपने घुटने को सीधा करें और सामान्य स्थिति में वापसी आने का प्रयास करें। इसी प्रकार दूसरी तरफ
अपने दोनों पैरों को सीधा करें, दूसरे पैर को साइड की ओर ले जाएं, लंबी गहरी श्वास लें, श्वास को छोड़ते हुए साइड में जाएं। अगर आप अपना पैर सीधा रखने में सक्षम नहीं है तो अपने घुटने को भी मोड़ सकते हैं। कुछ देर रोकने का प्रयास करें, एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने घुटने को सीधा करें और सामान्य स्थिति में वापसी आए। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों की दूरियों को कम करें और सामान्य स्थिति में विषम खड़े हो जाएं। एक लंबी गहरी श्वास लें, हथेलियां सामने की ओर, अपने चेहरे को आसमान की तरफ करें, लंबी गहरी श्वास लें और धीरे से श्वास को छोड़ें। अपने श्वास की गति को धीमा करें। अब हम जानेंगे हस्त पादानासन। अपने दोनों हाथों को श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए अपना ध्यान सामने रखें और नीचे आने का प्रयास करें। अपने दोनों पैरों में दूरियां कम करें और शरीर को नीचे की ओर खींचने का प्रयास करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपकी कमर में हंच ना बने। कुछ देर रोकने का प्रयास करें और एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथ सामने से लेते हुए सामान्य स्थिति में वापसी आ जाए। इसे 5 से 10 बार दोहराने का प्रयास करें। अब हम जानेंगे एक व्यायाम जिसमें आपके पैरों की दूरियां रहेगी। जितना ज्यादा आप अपने पैरों को खोल सकते हैं उतना ज्यादा खोलने का प्रयास करें। अपने दोनों हाथ कमर पर रखें, एक लंबी गहरी श्वास लें, अपना ध्यान सामने रखें और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर आए। अब अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लीजिए। आपका ध्यान अपने हाथों के बीच में रहना चाहिए। आप चाहे तो इसे इस प्रकार जोड़ भी सकते हैं। अब अपने शरीर को दाएं से बाएं की ओर ले जाएं। पहले राइट साइड जाएंगे, घुटने सीधे रखने का प्रयास करें। इसी प्रकार श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आए और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर जाए। इसे 5 से 10 बार दोहराने का प्रयास करें। यह आपकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल के लिए बहुत ही अच्छा है और साथ के साथ बच्चों की हाइट के लिए बहुत ही लाभकारी है। सामान्य स्थिति में वापसी आए, अपने पैरों में दूरियां कम करते हुए सामान्य खड़े हो जाए। अब हम बात करेंगे बैठ के करने वाले कुछ आसन जो आपकी हाइट के लिए बहुत ही लाभकारी है। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाए और सामने की ओर लेट जाए, पेट के बल। अपने दोनों पैरों को जोड़ें, अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास रखें, श्वास लेते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपका केंद्र एक जगह रहे और अपनी कोहनियों को इस तरीके से सीधा रखने का प्रयास ना करें। अपने कंधों को आरामदायक स्थिति में रखें, हल्का सा कोहनियों को मोड़ कर रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाए, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आए। इसे 10 से 15 बार दोहराए। यह आपकी कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए और आपके बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारी है। ठीक है, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आए। कुछ देर रोकने का प्रयास करें। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। अपने दोनों हाथों को साइड में रखें, फेस के नीचे इंटरलॉक करते हुए फेस को साइड में करें, अपने पैरों की दिशा को साइड में ले जाएं। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लें और धीरे से श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। रिलैक्स, धीरे से सामान्य स्थिति में आए। अब हम आखिरी आसन जानेंगे, आपकी हाइट के लिए बहुत ही लाभकारी है। अपने दोनों पैरों को फोल्ड करें, धनुरासन। अपने पंजों को पकड़ें और अपने श्वास लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचें।
अपने शरीर को जितना आप ऊपर की ओर खींच सकते उतना खींचने का प्रयास करें और रोकने का प्रयास करें। धीरे से श्वास को छोड़ें और सामान्य स्थिति में वापसी आ जाए। इसे एक बार और दोहराए, लंबी गहरी श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर खींचे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। धीरे से दोनों पैरों को सीधा करें और लेफ्ट साइड करवट लेकर बैठ जाए वज्रासन में। तो ये थे कुछ आसन जो आपके बच्चों के हाइट के लिए बहुत ही लाभकारी है, और ये वे आसन हैं जो आपके बच्चों की हाइट को नेचुरली बढ़ाने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो निष्कर्ष आपने ये बताया कि किस तरीके से योग के ज़रिए हम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, ख़ासतौर पर बच्चों की। लेकिन क्या कोई एज लिमिट होती है? क्योंकि ये कहा जाता है कि तकरीबन 15-16 साल के बाद आपकी हाइट बढ़नी रुक जाती है, जिसके लिए हम कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ चीज़ों का ऐसा भी इस्तेमाल करते हैं जो काफ़ी घातक होती है। पहले तो हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि ऐसी कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल ना करिए। अगर योग को भी कर रहे हैं तो योग गुरु के निगरानी में ही आप योग करिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि 15-16 साल बाद हाइट बढ़नी बंद हो जाती है? जी हर्ष जी, जैसा हम बात करें हाइट की, तो हाइट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 22 साल तक बढ़ सकती है, वो भी जब अगर आप नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। अब किस एज तक नेचुरली बढ़ती है? 16 से 18 साल तक की आयु तक के बच्चों की हाइट नेचुरली बढ़ती है। अगर आपकी हाइट फिर भी आप अपनी हाइट से परेशान हैं तो आप सबसे बढ़िया है अश्वगंधा, आप उसे दूध के साथ ले सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप डॉक्टर से परामर्श करके, सलाह करके उसका नियमित रूप से सेवन करें। बिल्कुल निष्कर्ष, अगर बात करूं मैं लड़कियों की, क्योंकि योगासन जो आपने बताए हैं वो सभी उम्र के व्यक्ति के लिए हैं, महिलाओं और पुरुषों के लिए भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या जो रहती है वो लड़कियों के लिए भी रहती है। और हमने देखा है कि दादी हो, नानी हो या बड़े बुजुर्ग हो, कई चीज़ों को खाने से मना करते हैं कि आप खट्टा मत खाइए या ये सब चीज़ें मत खाइए। क्या ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि हाँ हम कुछ चीज़ों को खाते हैं उस वजह से भी हमारी हाइट रुक जाती है? वो चीज़ें जब नुकसान करती है अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें बुज़ुर्गों ने कही है तो उनका मानना चाहिए, लेकिन अगर आप नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं और आसन कर रहे हैं तो आपकी हाइट के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। और आजकल अन्य प्रकार की काफ़ी सारी दवाइयाँ चल रही है, काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट्स होती है जो ये दावा करती है कि हम आपकी हाइट बढ़ाने में मदद करेंगे, लेकिन वो आपको आज के समय में आपकी हाइट बढ़ा सकती है लेकिन वो आपको भविष्य में, फ्यूचर में बहुत ही नुकसान भी दे सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट या किसी भी प्रकार की दवाइयों के अंदर आकर उसमें आकर आप ऐसी दवाइयों का सेवन ना करें जो आपको भविष्य में नुकसान सिद्ध करे। एक आखिरी सवाल निष्कर्ष आपसे लेता हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि माँ बाप हाइट बढ़ाने के चक्कर में कहीं पे लटकाना बच्चों को शुरू कर देते हैं, कई कई तो ऐसा भी होता है कि उनको फ्रैक्चर भी आ जाता है। तो क्या ये हम अपील करें उनसे कि आप ऐसा ना करें, आसानी से योग करें, योग के ज़रिए हाइट आपकी बढ़ सकती है? तो आप योग के द्वारा कर सकते हैं, इसके लिए इसमें आपको किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं होगी, चोट नहीं लगेगी, लेकिन बस इसके लिए आपको किसी के नियंत्रण में करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप अपने टीचर या पेरेंट्स की निगरानी में ज़रूर करें। रही लटकाने की बात, तो लटकाने से हाइट बढ़ती है लेकिन एक समय अवधि में रहकर आप करें। ज़्यादा देर लटकने से आपके नुकसान भी हो सकता है, तो जितना देर आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना देर आप लटक सकते हैं आरामदायक स्थिति में उतना देर ही कोशिश करें, ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें। तो जिस तरीके से निष्कर्ष बता रहे हैं कि आप योग के ज़रिए अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप अगर कोई भी व्यायाम कर रहे हैं, कोई भी योग कर रहे हैं, तो योग गुरु की निगरानी में करिए, नहीं तो फिट भारत प्रोग्राम देखिए, क्योंकि योग गुरु निष्कर्ष हमारे साथ मौजूद रहते हैं और उनकी निगरानी में ही हम आपको वो योग बताते हैं जिसके ज़रिए आप कई बीमारियों से छुटकारा भी पा लेते हैं, अपनी फिटनेस को भी बरकरार रखते हैं। और अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो आप अपनी हाइट को भी योग के ज़रिए बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शेष भारत पर हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से योग के जरिए हम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल तो हमारे साथ योग गुरु निष्कर्ष थे जो ये बता रहे थे कि किस तरीके से योग के जरिए आप अपनी हाइट को
बढ़ा सकते हैं। यानी अगर आप बच्चों के लिए चिंता में हैं कि आपके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आप अपने बच्चों की हाइट को बढ़ा सकते हैं, बशर्ते आप योग करिए और योग के ज़रिए आप अपने बच्चों की हाइट को बढ़ा पाएंगे। हाँ, बस आपको करना इतना होगा, फिट भारत प्रोग्राम देखना होगा, नहीं तो किसी योग गुरु की निगरानी में वो योग करना होगा जिस योग के ज़रिए आप अपने बच्चों की हाइट को बढ़ा पाएंगे। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि फिट भारत प्रोग्राम आप देखते रहिए। फिट भारत प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको बताते हैं कैसे आप बीमारियों से निजात पा सकते हैं, कैसे अपने आप को आप फिट रख पाते हैं और कैसे आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अगले हफ्ते आपके सामने फिर हाजिर होंगे फिट भारत प्रोग्राम लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।